हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। अभी से मैं जा रही हूँ सुबह सुबह घास को, और ठंड जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और मैंने शॉल जो है ओढ़ लिए साथ में। तो ये जंगल की टेढ़े मेढ़े रास्तों का आपके साथ व्यू में शेयर कर रही हूँ। धूप जो है हमारे अभी नहीं लगी हुई है, और जगह पर लग चुकी है, लेकिन हमारे जो अभी नहीं लगी हुई है। तो अभी जो है फटाफट से चलते हैं घास लाने के लिए। और फ्रेंड्स, जंगल जो है बहुत ही घना है हमारा, और यहाँ पर जो है कई तरह के जंगली जानवर भी होते हैं, लेकिन हमारे को डर नहीं लगता है, हमारे को डेली आदत है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के बज रहे हैं 9, और धूप जो है हमारे को अभी नहीं लगी हुई है, और मैं पहुंच चुकी हूँ जंगल में। और अभी जो है मैं फटाफट से जो है घास निकाल लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ घास दिखा है मेरे को, जहाँ पर दो पुले शायद से बन पाएंगे, तो यहाँ पर मैं फटाफट से घास काट लेती हूँ। इतनी सी जगह पर मिला है घास, तो ये घास जो है काफ़ी पतला है, तो इसमें मेरे 2 या 3 पुल्ले ही निकल पाएंगे, और फिर मैं ऊपर वाली झाड़ियों में चले जाऊंगी, फिर वहाँ ढूंढूंगी। ढूंढना क्या है, लेकिन वहाँ पर होता है घास, फिर आगे दिखाऊंगी आपको। नीचे से लेकर ऊपर तक जो है मैंने घास काट लिया है, और साथ में मिल गई मेरे को थोड़ी सी खजरे, जो कि हम पशुओं को खिलाते हैं, और इससे झाड़ू और बिन्नू वगैरह भी बनते हैं। दिखाऊंगी, मैंने घर में जो है इसके झाड़ू भी बनाए हुए हैं, आपको दिखाऊंगी मैं जब मैं घर जाऊंगी। तो यहाँ से लेकर ऊपर तक मैंने जो है घास काट लिया है, और इसमें सिर्फ 2 ही पुल्ले निकले हैं, और अब जाऊँगी मैं आगे, क्योंकि जंगल में थोड़ा थोड़ा घास जो है मुश्किल से इकट्ठा करना पड़ता है। तो अभी मैं देखिए कितने घने जंगल में आई हुई हूँ, और डर भी लग रहा है, लेकिन पशुओं के लिए घास तो ले जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, और झाड़ियाँ जो है खींच रही है अपनी ओर, और बालों का तो सत्यानाश ही हो गया है यहाँ पर। तो पहुंच चुकी हूँ मैं उस जगह पर जहाँ पर मुझे घास काटना है, उस जगह पर मैं पहुंच चुकी हूँ। कैमरा जो है यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही घने घने जो है बांध के पेड़ है, और यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको अपना घर, जहाँ पर अब धूप जो है लग चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा घर, ये जो है मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ है, और कैमरा भी जो है मेरा थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। यहाँ पर जो है धूप अब लग चुकी है, परे वाले घर में तो लग गई है, लेकिन हमारे घर में अभी लग रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और अभी थोड़ा और ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी जो है सूखी लकड़ियाँ मिल गई है, इनको हम ले जाएंगे संडे वाले दिन, क्योंकि संडे वाले दिन जो है बच्चे भी घर में होते हैं,
और आजकल जो है लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पहाड़ों में जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और पड़ गई है आजकल। आग के बगैर जो है गुजारा ही नहीं होता है, जब तक आग ना जलाएं, आग ना सेकें तो ठंड जो है कम ही नहीं होती है। तो जहाँ पर मैंने अपनी रस्सी और बोरी रखी हुई है, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने 3 पुल्ले जो है काट लिए हैं, और घास जो है काफ़ी पतला पतला है, क्योंकि यहाँ पर जो है पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा हैं। तो बाल देखिए मेरे किस तरह से हो गए हैं, और शॉल वगैरह जो है मैंने खोल दी है, क्योंकि इनमें गुंबर वगैरह होते हैं जो कि कपड़ों में लग जाते हैं और शॉल को भी लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने शॉल खोल दी है। और फटाफट से यहाँ से एक दो पुल्ले और निकाल लूँगी। ये हो गया है मेरे घास का भारा जो है, अब मैं भारा लगा लूँगी फटाफट से। यहाँ से लेके वहाँ तक जो है मैंने पूरा घास जो है काट लिया है, और बाद में जो है हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो भी जो है अपने लिए घास का भारा निकाल रहे हैं। और मेरा भारा जो है इधर हो चुका है, ये है पुल्ले, ये भारा जो है मैंने अब लगा लिया है। अब मिलूंगी मैं आपसे घर में ही, क्योंकि रास्ता जो है बहुत ही टफ है, गिरने विरने का डर रहता है, तो अभी घर में ही मिलूंगी आपके साथ। बैठो, घास का भारा जो है मैंने पीठ पे उठाया है, मैंने छोटा सा भारा लाया हुआ है, क्योंकि बहुत बार बोल चुकी हूँ कि टांग की प्रॉब्लम की वजह से जो है उठा नहीं पाती हूँ, तो छोटा सा ही लाया हुआ है मैंने। और बाल देखिए झाड़ियों में कैसे हो गए हैं मेरे, और अभी घर के पास पहुँचने ही वाली हूँ मैं। तो इस तरह के छोटे छोटे रास्ते होते हैं, और यहाँ से चलना भी जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में जो है कई जगह पर ओस पड़ी होती है, जहाँ से गिरने गिरने का डर रहता है। सांस देखिए मेरी किस तरह से चढ़ी हुई है, क्योंकि बोझा जो है उठाया हुआ है पीठ पे, तो सांस का चढ़ना जो है लाजमी है बोझा उठा के। और अभी जो है घर आने ही वाला है, और मेरा सामने घर। पहाड़ों में जो है इस तरह से पीठ पे ही बोझा लेते हैं ज़्यादातर। बालों की हालत देखिए, कुछ नहीं मतलब नौ दिसंबर तक लाई दी नहीं।